भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में चल रही थी बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद रहे, राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा राजस्थान के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे। विजया सिन्हा, सम्राट चौधरी, उत्तराखंड सीएम धामी भी बैठक में शामिल हुए। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बैठक से जुड़ी कि किस तरह से तमाम दिग्गजों की बैठक में मौजूदगी रही है और कई देर तक ये बैठक चलती रही, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। और देखिए उस वक्त की ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंचे थे और जेपी नड्डा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम किया गया था, स्वागत किया गया था। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी पहले से वहां पर थी और इंतजार था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। और फिलहाल ये बैठक के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंदर हॉल की तस्वीरें, जहां तमाम सीएम की मौजूदगी रही और कई विषयों को लेकर के चर्चा चलती रही। और क्योंकि तमाम राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक एक करके तमाम राज्यों का फीडबैक लिया गया है और इस फीडबैक के बाद में कुछ जरूरी निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उन तमाम लीडर्स को दिए गए, मुख्यमंत्रियों को दिए गए हैं। क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है और जो बदलाव अभी तक किए गए हैं उनका क्या कुछ रिजल्ट धरातल पर देखने को मिला है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और काफी देर तक ये चर्चा हुई। हालांकि देखना यह भी होगा क्या क्या कुछ राजनीतिक बदलाव इस बैठक के बाद में होता है, क्या कुछ बड़ा निर्णय इस बैठक के बाद में लिया गया है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि जो बैठक शाम को शुरू हुई थी, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, वो बैठक फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी है। दिल्ली की लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोशिश हमेशा से यही की जाती है और ये तस्वीर अक्सर बीजेपी में देखने को भी मिलती है कि डिसिप्लिन पार्टी में बना रहे, यानी कि कोई अंदरूनी कलह भी अगर पार्टी में चल रही है तो वो बाहर ना पता चले। और ये हमेशा से देखने को मिला है कि अगर कोई बड़ा फैसला भी आलाकमान के द्वारा लिया गया है तो कोशिश यही की जाती है कि आलाकमान के द्वारा जो भी फैसला लिया गया है उसको स्वीकार किया जाए और एक मुस्कान के साथ स्वीकार किया जाए। और ये डिसिप्लिन अभी तक मेंटेन करके रखा गया है हर एक राज्य में, और उस डिसिप्लिन को आगे किस तरह से मेंटेन किया जा सका है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अश्विनी, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ प्राथमिकताएं इस बैठक में देखने को मिली? देखिए बैठक खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे और अभी बस त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक साहा जो है वो यहाँ से निकले हैं। भाजपा शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे हैं। जो त्रिपुरा के सीएम हैं, हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सारे जो मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद थे उनका सबका प्रतिनिधित्व हुआ है, सब ने अपनी अपनी बात रखी है, खासतौर पर योजनाओं को लेकर बात रखी गई है। तो प्रदेशों में जो योजनाएं चल रही हैं, खासतौर पर जो केंद्र की योजनाएं प्रदेशों में चलती हैं वो कितने कारगर हैं, आम आदमी तक पहुंची या नहीं पहुंची, उन सब लोग सब को लेकर बातचीत हुई है। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना आंकड़ा इस बैठक में रखा है, अपना व्यू रखा है और बताया है कि उनके प्रदेश के कैसे हालात हैं, किन योजनाओं में अच्छा काम हुआ है, उनसे पॉजिटिविटी आई है। बताया ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम मनमाफिक भाजपा के अनुसार नहीं रहे थे उसको लेकर भी बातचीत हुई है। जिन राज्यों में भाजपा अच्छे परिणाम नहीं ला पाई उन राज्यों में हार के कारणों को लेकर चर्चा हुई है।
और अगले चुनाव में क्या तैयारी करनी है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। बैठक कल भी होगी और कल सुबह 8 बजे सभी मुख्यमंत्री भाजपा मुख्यालय जुटेंगे। 8:30 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय आएंगे और करीब 1 बजे तक लंच तक की बैठक चलेगी। अच्छा अश्विनी, बार बार बीजेपी के द्वारा कोशिश यही की जाती है कि एक एकता का संदेश पार्टी दे। आज भी हमने बैठक में देखा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, पर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि नहीं पहुंचे हैं, नाराजगी की कुछ सुगबुगाहट। देखिए, दो जो उप मुख्यमंत्री हैं यूपी से आते हैं, वो मुख्यमंत्री जब योगी बैठक ले रहे थे तो उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, बीच में बयानबाजी भी सामने आई थी, लेकिन इस बैठक में वो दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और एक ये बात भी सामने आई है कि इस बैठक में साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्रियों को, बाकी उप मुख्यमंत्री जो बैठक में रहे उनसे कह दिया है साफ तौर पर कि किसी भी तरह की बयानबाजी बाहर नहीं आनी चाहिए, कोई भी बात है तो पार्टी के मंच पर और केंद्रीय नेतृत्व के सामने ही रखी जाएगी। खासतौर पर जो अंतिम दिनों में अभी यूपी में जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं और बाकी राज्यों में ऐसे हालात नहीं बने। बाकी राज्यों में कोई बुजुर्ग नेताओं के खिलाफ या पुराने नेताओं के खिलाफ या नए नेताओं के खिलाफ कोई इस तरह कोई बयानबाजी सामने नहीं आई, इसकी कोशिश की। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं पर फोकस रहा है, सुशासन पर फोकस रहा है कि वैसे कि कैसे वो सुशासन पूरा इसमें राज्यों में देंगे और इसी पर फोकस किया जा रहा है। अश्विनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि शाम से लगातार आप बैठक को लेकर एक अपडेट दे रहे हैं, एक तस्वीरें दिखा रहे हैं और कल भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी वो भी हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका।